नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एम सी श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि सब चीज़ें आपको समझ में आ पाएँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन के बारे में वीडियो बनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी आजकल इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि ब्रोकर्स ने जो मार्जिन इंक्रीज़ किए हैं उनकी वजह से फ्यूचर में ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपये का मार्जिन लग रहा है, वहीं अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो 20-25-30 हज़ार के मार्जिन से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसके लिए हमने एक स्पेशल इनपुट भी दिया है, हमारे वेबसाइट पे एक स्पेशल टूल बनाया है, एक स्पेशल ऑप्शन दिया है आपको कि जिसको यूज़ करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आती हैं जो कि एल्गो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। दूसरा, जो व्यूअर्स हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं वो भी प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा दोस्तों हमारी वेबसाइट पर, जो कि है www.algocrab.com। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया कि किस तरीके से आपको एल्गो क्रैब पे अकाउंट खोलना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको एल्गो क्रैब पे जाना है, वहां पर साइन अप पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल भरनी है, नाम, नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपके ईमेल पर एक मेल आएगा जिस पे आपको अपने आप को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आप हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हैं आपको दिखेगा वहां पर लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन बार जिसमें अलग अलग आपको टैब्स दिखेंगे। उसमें आपको एक टैब दिखेगा स्ट्रेटजी का टैब। अगर आप स्ट्रेटजी के टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको वहां पर दिखेगा ऑप्शन ट्रेडिंग का टैब। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के टैब को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। तो इस तरीके की आपको स्क्रीन वहां पर दिखाई देगी। उस स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट स्ट्रेटजी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक विंडो दिखाई देगा। उस विंडो में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। सबसे ऊपर आपको स्ट्रेटजी के बारे में इन्फॉर्मेशन डालनी है कि कौन सी स्ट्रेटजी में आपको ट्रेड करना है। ये चीज़ देखने के लिए कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेनिफिशियल है, कौन सी स्ट्रेटजी में निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे हीट मैप के टैब में जा सकते हैं। हीट मैप के टैब में जाके जैसे ही आप स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको बता देगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कौन सी स्ट्रेटजी बढ़िया काम कर रही है। तो वहाँ से आप स्ट्रेटजी चूज़ कीजिएगा। जैसे कि इंट्रामैक्स कर लिया आपने, इंट्रामैक्स में निफ्टी में आपको 63-64% की एक्यूरेसी मिल जाती है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप निफ्टी के लिए इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप मनी मशीन की स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना होगा दोस्तों हीट मैप के टैब में, वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बढ़िया है। जैसे ही आपने डिसाइड किया उसके बाद आना होगा आपको वापस हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर आपको मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग का टैब। ऑप्शन ट्रेडिंग के टैब पे क्लिक करने पे राइट साइड में आपको जो आइकन दिख रहा है क्रिएट अ स्ट्रेटजी सिंबल का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप में सबसे ऊपर आपको स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद के जो ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रोकर वाइज वो चेंज होते रहते हैं। हमने हालांकि उसमें एनेबल डिसेबल का बटन दे दिया है। जिस भी ब्रोकर को आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो हमें डालनी है। जैसे कि अगर हम बात करें एंजल ब्रोकिंग की, एंजल ब्रोकिंग ने रिसेंटली एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें कि आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग एल्गो ट्रेडिंग के प्रोवाइडर्स वहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए जो सिंबल नाम होता है एंजल का, उसमें होता है सबसे पहले सिंबल का नाम, उसके बाद होता है एक्सपायरी डेट, उसके बाद होता है मंथ, उसके बाद होता है ईयर, और ईयर के बाद आता है स्ट्राइक, और उसके बाद कॉल या पुट। तो उस सिंबल को बनाने के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे। और हम यहाँ पर सिंबल इसलिए भी बना रहे हैं दोस्तों क्योंकि देखिए बहुत सारे सिंबल्स में वॉलेटिलिटी होती है, बहुत सारे में नहीं होती है। अगर हम सिंबल को सिलेक्ट करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर सिंबल में काम करना है तो कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम आता है क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी नहीं होती या फिर उसके सिंबल के प्राइसेस बहुत कम या ज़्यादा होते हैं। हम लोग ज़्यादातर लोग जो हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें एट द मनी कॉल पे काम करना है, यानी कि जो ही नियर बाय है आपके बैंक निफ्टी या निफ्टी के प्राइस के उसी पे ट्रेड करना है क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी। तो उसके लिए हम दोस्तों सिंबल बनाते हैं। ये वजह होती है हमारी सिंबल बनाने की हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो अब सबसे पहले हमें क्या डालना होगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना होगा सिंबल का नाम। तो सिंबल के नाम में आप बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं यहीं से। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं। मैंने बैंक निफ्टी का सिंबल सिलेक्ट कर लिया है,
डे में मैंने 24 डाल दिया जो कि इस थर्सडे की एक्सपायरी है, और मंथ में मैंने जून डाला है, और ईयर में मैंने 21 डाला है। तो इस तरीके से मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी हैं। प्रोडक्ट में मैंने रेगुलर रखा है, ऑर्डर टाइप में मुझे MIS करना होगा, मैंने MIS सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी में 25 डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट्स के ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डाल के दिखा दिए। इसको करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें सेव चेंजेस पे क्लिक करना होगा। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक कार्ड मिलेगा। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे हमें यहाँ पर दिख जाएगा कि हमने बैंक निफ्टी का सिंबल क्रिएट कर लिया, यहाँ पर एक कार्ड आ गया है, और इस कार्ड में आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं, एक प्ले का और एक स्क्वायर अप करने का। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा शोर भी हो रहा है यहाँ पे क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, तो इसके वजह से थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से सिंबल आ रहे हैं। सिंबल में आपको यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिख रहा है, जो ग्रीन कलर ब्लू कलर का जो बटन है, ब्लू कलर का बटन है सिंबल को स्टार्ट करने का, और ग्रीन कलर का बटन है स्क्वायर अप करने का। तो जैसे ही मैं ग्रीन कलर का बटन प्रेस करता हूँ तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी जो है स्टार्ट हो जाएगी, और ये स्टार्ट होने के बाद ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगी। अब जैसे ही बैंक निफ्टी के सिंबल में ट्रेड आएगा, कोई भी सिग्नल बनेगा बैंक निफ्टी के सिंबल में, तो ये ऑन जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी उसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा उस पे बाय का ट्रेड भेजेगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर मान लो बाय का सिग्नल आता है तो ये कॉल बाय करता है, और अगर सेल का सिग्नल आता है तो ये पुट बाय करता है। ऐसा करने से आपका मार्जिन जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप कॉल को ही बाय या सेल करेंगे तो सेल में उसका पूरा निफ्टी या बैंक निफ्टी का मार्जिन पे करना होता है, लेकिन अगर आप बाय ही करेंगे उसको, सेल नहीं करेंगे, बाय करेंगे, सेल में आपको पूरा मार्जिन देना पड़ता है, बाय के लिए आपको कम मार्जिन देना पड़ता है। तो बाय का हम ट्रेड इसलिए लगाते हैं, कॉल बाय करते हैं और पुट बाय करते हैं, बाय के सिग्नल पे कॉल और सेल के सिग्नल पे पुट को बाय करते हैं। जैसे ही कोई नया सिग्नल फ्रेश सिग्नल आएगा ये ट्रेड कर देगा, लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए आपको जाना होगा ऑथेंटिकेशन के पेज में। ऑथेंटिकेशन के पेज में जब आएंगे तो आपको अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है, ब्रोकर की क्रेडेंशियल डालनी है, और उसके बाद अपडेट करके गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है। अगर गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करने से वो वापस रिडायरेक्ट होकर हमारी वेबसाइट पे आ जाता है, इसका मतलब आपको टोकन सक्सेसफुली मिल गया है। उसके बाद क्रॉस फंड कंफर्मेशन के लिए आप वैलिडेट टोकन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप वैलिडेट टोकन के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक टोस्ट दिखाई देगा जिस पे लिखा होगा टोकन इज वैलिड। अगर टोकन वैलिड है तो आपका ट्रेड प्रॉपरली हो जाएगा। तो दोस्तों ये था तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिर्फ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है कि किसमें आपको ट्रेड करना है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कौन से मंथ की एक्सपायरी है, कौन से डे की एक्सपायरी है, ये सारी चीज़ें जो इनिशियल चीज़ें हैं बस वो सिलेक्ट करके आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे ही कोई सिग्नल आएगा तुरंत आपका ऑप्शन का ट्रेड हो जाएगा, और ये काम आप 10 से 12 अलग अलग ब्रोकर्स के साथ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है, अगर आप इस फीचर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप AlgoCrab पर रजिस्टर कर सकते हैं। 6 दिन आपको फ्री ट्रायल मिलेगा वहाँ पर, और 6 दिन के ट्रायल में आप देख सकते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस आने वाली है। एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको कर देता हूँ दोस्तों, कि आने वाले 2 से 3 दिन में मैं एक और वीडियो लॉन्च करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी कि इसमें पेपर ट्रेडिंग मोड नहीं है। एक्चुअली हम लोगों को पेपर ट्रेडिंग मोड की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग परफॉर्मेंस और हीट मैप में सारे सिग्नल्स जो है सिग्नल्स के फॉर्मेट में भी सिग्नल्स के टैब में हम आपको सिग्नल्स भी दिखा रहे हैं कि अभी रनिंग सिग्नल कौन से चल रहे हैं, और परफॉर्मेंस के टैब में हम दिखाते हैं कि कौन से सिग्नल का ट्रेड हो चुका है। लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन किया है और पेपर ट्रेडिंग मोड आपके लिए लाए हैं ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि अगर आप इस पर्टिकुलर सिंबल में ट्रेड करते 6 दिन तो आपको क्या प्रॉफिट होता, और फायदा यह भी होगा कि एक्सचेंज में आपका कोई ऑर्डर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ अब दोबारा से आपको मेरी इन्फॉर्मेशन ये सब समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ट्रायल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप हमें दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।